डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की पढ़ाई हम लोग पिछले पार्ट में किए हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू हम लोगों ने एक्सिस पर इंटेंसिटी निकाला, इक्वेटर पर इंटेंसिटी निकाला और एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी निकाला। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी निकाला था। एक बार थोड़ा सा रिव्यू देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की का सॉरी और एक पॉइंट ए हम लोगों ने लिया था जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से आर थी और इस पॉइंट से डाइपोल को मिलाने वाली लाइन डाइपोल के साथ थीटा एंगल बनाती थी। इस ए पॉइंट पर हम लोगों ने जो इंटेंसिटी निकाला था, पिछले हेडिंग का फिगर देख लो, उसमें ये वाला फिगर आया था, आपको याद होगा ये डायरेक्शन E1 का था। पहले हम लोगों ने क्या किया था, डाइपोल मोमेंट P को रिजॉल्व कर लिया था, एक बार रिजॉल्व कर लिया था और दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था। एक कंपोनेंट था P cos थीटा और एक कंपोनेंट था P sin थीटा। तो इस P cos थीटा के ड्यू टू हम लोगों ने A पर इंटेंसिटी निकाली थी, E1 आया था और P sin थीटा के ड्यू टू इंटेंसिटी E2 आई थी। अब इनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होगी E, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोगों की आई थी 1/4 pi epsilon naught पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos² θ + 1। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट पर इंटेंसिटी का जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था पिछले वीडियो में देख लेना, तो यही आया था, यही फिगर था। बाकी कायदे हम बताए थे कि कैसे कैसे निकला है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट पर इंटेंसिटी आई थी 1/4 pi epsilon naught P/r³ √3 cos²θ + 1 और ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन था। अब सपोज कर लीजिए कि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी E1 के साथ फाई एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल के ड्यू टू ए पॉइंट पर जो नेट इंटेंसिटी E है वह E1 के साथ फाई एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पर रियल में निकालना क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल लिए थे। अब हम यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं और डायरेक्शन निकालने के लिए हमने मान लिया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेक्टर E1 के साथ फाई एंगल बना रही है। तो यहाँ पर ना हो तो हेडिंग डाल लीजिए डायरेक्शन ऑफ E और यहाँ एक लाइन लिख लीजिए कि लेट वेक्टर E मेक्स एंगल फाई विद वेक्टर E1। अच्छा, एक चीज और है कि रिजल्टेंट वेक्टर का फाई एंगल हम E1 से ले या E2 से ले, किसी से भी मान लीजिए, ऐसा मन में कोई संदेह मत रखना डाउट की इंटेंसिटी का एंगल E1 से ही क्यों लिया गया है। आपके पास दो वेक्टर E1 और E2 हैं, उन्हीं का ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट कितने डिग्री पर है E1 से या कितने डिग्री पर है E2 से, इनमें किसी से भी आप एंगल ले सकते हो। तो मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर E1 के साथ फाई एंगल बना रहा है। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम टैन फाई निकालें, इसलिए फ्रॉम फिगर tan phi इज इक्वल टू, तो tan phi इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना E2 है, तो इसलिए tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा E2 अपॉन E1। ठीक है,
अब चूंकि इसको इक्वेशन वन कर दे, E1 आया था 1/4πε₀ 2P cos θ / r³। देख लीजिएगा पिछले डेरिवेशन में। और E2 आया था 1/4πε₀ P sin θ / r³। अब E1 की ये वैल्यू और E2 की ये वैल्यू दोनों इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन वन, तो ये हो जाएगा tan phi इज इक्वल टू E2/E1। तो ऊपर पहले E2 लिख दीजिए, तो 1/4πε₀ P sin θ / r³ / E1 की वैल्यू 1/4πε₀ 2P cos θ / r³। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचा क्या, tan phi इज इक्वल टू, इस P से P भी कैंसिल कर दो, sin थीटा अपॉन 2 cos θ, या ये हो गया 1/2 tan θ। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan phi, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan phi, या phi इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो कल ही निकाल दिया था, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आएगी उसका डायरेक्शन भी निकल गया। तो जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे ही निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी, ये तीनों डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नई हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस जो हेडिंग है उससे भी बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, और डायरेक्ट भी जो पढ़ाया जाता है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में भी पूछा जाता है। जनरली तो देखा गया है कि बोर्ड में यही पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन इन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, या ड्रा द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्यू टू फला चार्ज, या राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। इस तरह के कुछ सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ छोटे छोटे बढ़िया क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ध्यान से समझिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, हमने आपको बताया है और आप जानते भी हो कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कहीं रख दो तो उसके राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ये आप जानते हो कि चाहे वो कोई चार्ज पार्टिकल हो, चाहे चार्ज बॉडी हो,
और बॉडी किसी भी शेप की हो, चाहे चार्ज राड हो, चार्ज स्फीयर हो, चार्ज प्लेट हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल कहीं भी रख दोगे तो उसके अराउंड अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो किसी चार्ज के ड्यू टू, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, तो इसके चारों तरफ अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब इस चार्ज ने अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है, कहाँ पे नल पॉइंट है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज ने क्रिएट किया अपने अराउंड, ये जो हमें दिखाया है आपको डॉटेड लाइन के घेरे से, तो इस चार्ज ने अपने अराउंड मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम एक्सप्लेन करना चाहें या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहें, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब इस पॉइंट चार्ज या इस चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पेपर पर रिप्रेजेंट करें। क्योंकि जब तक किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ना तो एक्सप्लेन कर सकते हैं और न ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको देख के मालूम हो जाएंगी, ऐसा नहीं। इसलिए ये एक प्रमुख समस्या थी कभी कि कोई भी चार्ज अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी बातें जानने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, समझाने के लिए आवश्यक था कि किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पेपर पर रिप्रेजेंट करें। क्योंकि जब तक किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जान पाएंगे। तो एक समय ये प्रॉब्लम थी कि किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर रिप्रेजेंट किया कैसे जाए। इस प्रॉब्लम से को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने व्यू दिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी गाइडलाइन दी कि किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करो, कुछ ने कहा ऐसे करो, कुछ ने कहा ऐसे करो, लेकिन जितने लोगों ने अपनी व्यू दी उन सब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसलिए किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी साइंटिस्ट का व्यू सफल नहीं रहा। अंत में आप नाम भी जानते हो, ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने अपना व्यू दिया और माइकल फैराडे ने यह कहा कि किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि पेपर पर रिप्रेजेंट करना है तो लाइनों के सहायता से कीजिए, लाइनों के हेल्प से कीजिए। और जिन लाइनों के हेल्प से माइकल फैराडे ने किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की सलाह दी, एडवाइस दी, उन्हीं लाइनों को आज हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस तीनों कहते हैं, ठीक है। तो माइकल फैराडे ने किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइनों से रिप्रेजेंट करने की सलाह दी, और मैंने अभी बताया कि जिन लाइनों से रिप्रेजेंट करने की सलाह दी उन लाइनों को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइंस कुछ भी कहते हैं। अब माइकल फैराडे ने यह कहा कि कोई भी चार्ज कहीं रखा है तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जिन लाइनों से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि लाइनों से रिप्रेजेंट करने की वकालत किया और वास्तव में किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइनों से रिप्रेजेंट करना काफ़ी सफल रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइनों से रिप्रेजेंट करने के बाद केवल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर उसके बारे में बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे नेचर आप समझ भी सकते हो, समझा भी सकते हो। अब जिन लाइनों से रिप्रेजेंट करने की सलाह माइकल फैराडे ने दी, उन लाइनों को खींचा कैसे जाए, तो इस संबंध में माइकल फैराडे ने कहा कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल कहीं रखा है और उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है
उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि आप पेपर पर लाइनों के सहायता से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उन लाइनों के खींचने का सबसे सरल तरीका बताया कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर रिप्रेजेंट करना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जगह जगह टेस्ट चार्ज रखिए, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और जब टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा तो टेस्ट चार्ज मूव करना शुरू करेगा, और जब टेस्ट चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो जिस पाथ से टेस्ट चार्ज मूव करता है उसी पाथ को ड्रा कर दीजिए, वही पाथ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स होगा। जैसे अभी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स का हम डेफिनेशन बताएंगे, फिर वेरियस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स कैसे खींचते हैं, कैसे ड्रा करते हैं, इसे भी बताएंगे, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स की प्रॉपर्टीज भी बताएंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स पर जनरल जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें भी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक बताएंगे, तब नोट करना। यहाँ पर बहुत छोटी सी चीज़ देख लो, जैसे मान लीजिए टेक चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, अब इसके अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ड्रा करना है, तो हमने बताया कि टेस्ट चार्ज रख दीजिए, जैसे यहाँ टेस्ट चार्ज हमने रख दिया, तो आप जानते हो टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव होता है, तो जब यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये वाला इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो टेस्ट चार्ज इधर की तरफ भगेगा, अब टेस्ट चार्ज इधर जा रहा है उधर लाइन खींच दीजिए, यही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हो जाएंगे। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दीजिए तो ये चार्ज इसको नीचे की तरफ रिपेल करेगा तो इधर लाइन खींच दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हो गई। यहाँ टेस्ट चार्ज रख दीजिए तो ये इसको इधर रिपेल करेगा तो इधर खींच दीजिए, तो यहाँ इधर टेस्ट चार्ज रख दीजिए तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा इधर खींच दीजिए। तो इस तरह पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में जगह जगह टेस्ट चार्ज रखते जाइए, और उस टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लग रहा है उधर लाइन ड्रा करते जाइए, वही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है। इसकी चर्चा कल करेंगे, कल इसको पढ़ा जाएगा। थैंक यू बच्चों।